पहले औकात और अब अंडे से निकले चूजे। एमपी के बदजुबानी वाले अफसरों पर सख्त हुए सीएम मोहन यादव। नमस्कार, मैं श्वेता आपका द खबरदार न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। देवास में किसानों से बदसलूकी मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, इस तरह की अभद्र भाषा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरे निर्देश के बाद कलेक्टर ने तहसीलदार को जिला मुख्यालय से अटैच कर दिया था। सुशासन ही मेरी शासन का मूल तंत्र है। मध्य प्रदेश के बदजुबान और लापरवाह अधिकारियों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सख्त एक्शन लेने से नहीं चूक रहे हैं। शाजापुर में ड्राइवर से औकात पूछने वाले कलेक्टर के बाद अब देवास में किसानों से अभद्र भाषा में बात करने वाली महिला तहसीलदार के खिलाफ कार्यवाही की गई है। इससे पहले सीएम यादव ने अपनी सख्ती का परिचय देते हुए गुना बस हादसे के बाद ऊपर से लेकर नीचे तक के अफसरों पर गाज गिराई थी। ताजा मामला देवास जिले की महिला तहसीलदार अंजलि गुप्ता पर हुई कार्यवाही का है। जिले के सोनकच्छ के निकट कुमारिया राव गांव में खड़ी फसल के बीच खेतों में बिजली के खंभे लगाने को लेकर किसान और तहसीलदार अंजलि गुप्ता आमने सामने हो गए। इस दौरान किसान के बेटे ने अंग्रेजी में कह दिया, यू आर रिस्पॉन्सिबल। यह शब्द सुनते ही तहसीलदार भड़क उठी और बोलने लगी कि चूजे हैं ये, अंडे से निकले नहीं, बड़ी बड़ी मरने मारने की बात करते हैं। मैं अभी तक आराम से बात कर रही थी, लेकिन आज इसने कैसे बोल दिया कि कैसे मैं जिम्मेदार हूँ। देखें वीडियो। चूजे ये अंडे से निकले नहीं कि बड़ी बड़ी मरने मारने की बात करते हैं। अरे साहब, हम नहीं करा, आप बच्चा हूँ मैंने, ये कि आप बोल के यही चीज तू जा। चलो 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 चलो, कल भी तो बात की, आराम से तो करी थी। अरे आज भी आराम से करी थी, तो आज कैसे इसने बोल दिया? चलो ठने, मैं रिस्पांसिबल वालों कैसे बोल दिया? अरे नहीं बोला, मैं हूँ एनसीपीडीएस, मैं हूँ क्या, मैं कौन हूँ, मैं तहसीलदार हूँ। अरे साहब, हम का प्रोजेक्ट है, शासन का प्रोजेक्ट है। शासन ने किसको, किसने चुना शासन को, सरकार को, आप लोगों ने चुना? अरे नहीं साहब, मैंने चुना क्या? मैंने बोला एनसीपीडीएस को कि खंभे लगाओ यहाँ पे, मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हूँ? अरे साहब, हम तो आपसे हाथ जोड़ निवेदन कर रहा, आपकी वर्जी पार्टी अंग्रेजी बल में, यू आर रिस्पॉन्सिबल। अरे साहब, हम तो हिंदी बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो ग्वाल लोग हैं। अरे बैठ जाओ, खेती करने वाले लोग हैं। चलो बिजली नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री ने कहा, इस तरह की अभद्र भाषा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरे निर्देश के बाद कलेक्टर ने तहसीलदार को जिला मुख्यालय से संबंध कर दिया था। सुशासन ही मेरी सरकार का मूल तंत्र है। ड्राइवर से औकात पूछने वाला कलेक्टर पर भी एक्शन। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शाजापुर कलेक्टर किशोर कन्याल को हटा दिया था। ड्राइवर से औकात पूछने वाले बयान को लेकर जिलाधिकारी के खिलाफ यह एक्शन लिया गया था। इस मामले को लेकर सीएम यादव ने कहा, यह सरकार गरीबों की सरकार है, सबके काम का सम्मान होना चाहिए और भाव का भी सम्मान होना चाहिए। मनुष्यता के नाते ऐसी भाषा हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं है। मैं खुद मजदूर परिवार का बेटा हूं, इस तरह की भाषा बोलना उचित नहीं है। अधिकारी भाषा और व्यवहार का ध्यान रखें। बता दें कि ड्राइवर यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग के दौरान कलेक्टर किशोर कन्याल अपना आपा खो बैठे थे। वीडियो में नजर आ रहा है कि जब ड्राइवर के एक प्रतिनिधि ने कलेक्टर से ठीक ढंग से बातचीत करने का आग्रह किया, तो उन्होंने ड्राइवर्स और अन्य से कानून अपने हाथ में नहीं लेने को कहा। साथ में एक व्यक्ति से बोले, क्या करोगे तुम, क्या औकात है तुम्हारी, 13 मौतों को लेकर भी टॉप टू बॉटम सर्जरी। गुना बस हादसे में हुई 13 लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऊपर से लेकर नीचे तक ताबड़तोड़ प्रशासनिक सर्जरी कर डाली। सीएम के निर्देश के बाद गुना जिले के कलेक्टर तरुण राठी, एसपी विजय कुमार खत्री के साथ परिवहन विभाग के मुख्य सचिव सुखवीर सिंह और परिवहन आयुक्त संजय कुमार झा को हटा दिया गया। इसके अलावा गुना में पदस्थ आरटीओ रवि बरेलिया और गुना नगर पालिका के CMOBD कतरौलिया को सस्पेंड कर दिया गया। पता हो कि मध्य प्रदेश में गुना जिले के 27 दिसंबर 2023 की रात करीब 8 बजे एक डंपर से टकराने के बाद बस में आग लग गई थी। इस हादसे में जलने से 13 लोगों के शव राख बन गए थे, एक दर्जन से ज्यादा अन्य गंभीर रूप से झुलस गए थे। भीषण हादसा गुना आरोन रोड पर हुआ था, जब प्राइवेट बस और डंपर के बीच आमने सामने टक्कर हो गई थी। बस में लगभग 35 यात्री सवार थे और उनमें से 4 किसी तरह से बस से बाहर निकलने में कामयाब रहे और घर चले गए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है।
मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।